आप सभी को नमस्कार। अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जो उत्तर लेखन है ये यूपीएससी के साथ साथ समस्त राज्य विशेष की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सिलेबस है लगभग, जैसे हम मध्य प्रदेश राज्य विशेष की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और यूपीएससी का सिलेबस लगभग 80% सेम है, सिर्फ ऑप्शनल हटा दें तो। तो इसलिए जो भी प्रश्न कराए जाते हैं वो आपके राज्य विशेष के साथ साथ आपके यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। कल जो हमने अभ्यास प्रश्न किया था, आप में से जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं हमें, उनके बता दो, उनकी जानकारी के लिए बता दो कि हमारे द्वारा एक यूट्यूब चैनल चल रहा है हमारा। इसके अतिरिक्त हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप यदि आंसर चाहे अपना लिख के तो आप पोस्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में यदि आप आंसर अपना उत्तर लेखन पोस्ट करेंगे तो उसमें संबंधित जो भी कमियां होगी उसमें सुधार के साथ आपको बताया जाएगा। शाब्दिक त्रुटियां होंगी वो भी बताया जाएगा, लेखन शैली गलत होगी वो भी समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा और खुद और अपने मित्रों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना होगा। जिन लोगों को मेरे द्वारा आंसर राइटिंग जो कराई जाती है उससे लाभ हो रहा हो, कुछ फायदा मिल रहा हो, लग रहा है कि समय का सदुपयोग हो रहा है, तो प्लीज अपने साथ साथ अपने 10 अन्य मित्रों को भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि यदि हम आपके लिए निःशुल्क इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने टीचर का अपने बड़े भाई समझ कर सहयोग करें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो प्रश्न था मौजूदा परिस्थितियों पर आधारित था। प्रश्न था, मौसम के बाद अब लॉकडाउन ने किसानों की समस्याओं को दोगुना कर दिया। मतलब प्रश्न में पहले ही बता दिया गया कि मौसम के बाद, पहले तो मौसम ने किसानों की समस्याएं बढ़ाई, अब लॉकडाउन भी किसानों की समस्याओं को बढ़ा दिया है जिससे उनकी समस्या दोगुनी हो गई है। किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों की चर्चा कीजिए, ये आज का प्रश्न है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, प्रश्न को अच्छे से समझना चाहिए, दो बार तीन बार प्रश्न को पढ़ना चाहिए, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर से पढ़ दे रहा हूं, आज का प्रश्न है लॉकडाउन, मौसम के बाद अब लॉकडाउन ने किसानों की समस्याओं को दोगुना कर दिया है। किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कदमों की चर्चा करें। सबसे पहली बात, हमें प्रस्तावना से शुरुआत करनी होती है, लेकिन अपने उत्तर में हमें प्रस्तावना हेडिंग नहीं डालनी होती है। कुछ लोग गलती करते हैं जो टेलीग्राम ग्रुप पर भेज रहे हैं, तो हमें हेडिंग नहीं डालनी है, हमें शुरुआत करनी है अपने दिमाग में रखकर, और प्रस्तावना कम से कम तीन से चार लाइन की होनी चाहिए। तो इस प्रश्न की यदि हम देखें, मौसम के बाद अब लॉकडाउन ने, मतलब पहले मौसम ने किसानों की समस्याओं को बढ़ाया, अब लॉकडाउन बढ़ा रहा है, इसको हम प्रस्तावना में लिख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या लिखना है कि किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों की चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम किसानों की समस्याएं, प्रस्तावना लिखा हमने, प्रस्तावना के बाद हम लिखेंगे किसानों की समस्याएं क्या हैं, और अपने उत्तर के आधे भाग में हम लिखेंगे किसानों की समस्याएं क्या हैं, फिर उसके दूसरे आधे भाग में हम लिखेंगे कि समस्याओं के निदान के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो हमारा एक समेकित देखे समेकित रूप में तो हमारा एक पूर्ण उत्तर होगा, सबसे पहले प्रस्तावना, फिर किसानों की समस्याओं को, फिर दूसरे भाग में क्या किया जाना चाहिए उनकी बेहतरी के लिए उसको बताएंगे, तो हमारा उत्तर पूर्ण होगा। लेकिन अभी एक कमी रह गई है, क्या, निष्कर्ष लिखने की। प्रत्येक प्रश्न के अंत में कम से कम 2 से 3 लाइन का निष्कर्ष अवश्य लिखना चाहिए। तो याद रखिएगा, कोई भी उत्तर लेखन आप करते हैं तो प्रस्तावना और निष्कर्ष जरूर होने चाहिए, और इनकी लेंथ यदि हम बात करें शब्द तो कम से कम 25 शब्द होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना में क्या लिखा जा सकता है। जैसे आप जानते होंगे कि लॉकडाउन के पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे किसान हैं उनकी फसलों को आंधी तूफान और कुछ बारिश भी हुई थी जिसके कारण बहुत सारी हानि हुई थी। जो लोग कृषि से जुड़े होंगे, खेती से जुड़े होंगे, उनको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो पहले मौसम ने किसानों का खेल बिगाड़ा, किसानों की समस्याओं को बढ़ाया, और अब लॉकडाउन भी किसानों की समस्याओं को बढ़ा रहा है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में जहां पर एक तरफ COVID-19 से लोग लड़ रहे हैं, COVID-19 से प्रभावित हैं, वहीं संपूर्ण विश्व किसानों की समस्याओं से भी प्रभावित है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में खेती होती है, संपूर्ण विश्व में आपको किसान, विकसित देशों में भी आपको किसान देखने को मिलते हैं, किसान मिलते हैं, वहां पे फसल का उत्पादन होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चुनौती सिर्फ भारत के लिए है, लॉकडाउन से जो समस्या बढ़ी है वो सिर्फ भारत के लिए है, सभी देशों के लिए है, लेकिन हमें अपने उत्तर को भारत के परिप्रेक्ष्य में लेकर चलना है। तो हम प्रस्तावना में सबसे पहले लिखेंगे, जहां मौसम ने पूर्व में किसानों की फसलों को असामयिक बारिश और आंधी तूफान से नष्ट किया, वहीं अब बची जो
शेष फसल थी उसके कुछ भाग को लॉकडाउन प्रभावित कर रहा है। कैसे प्रभावित कर रहा है बचे हुए भाग को, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना में आपने लिखा कि पूर्व में असामयिक बारिश, बिना मौसम की बरसात और आंधी तूफानों से किसानों की फसलों को बहुत हानि हुआ था, और अब जब फसलें खेत में पक कर तैयार हैं, अब जब हमारी फसलें खेत में पक कर तैयार हैं, ऐसे समय में लॉकडाउन का हो जाना उनकी समस्याओं को दोगुना कर देता है। कैसे कर देता है उसके बारे में हम अभी देखेंगे। सबसे पहले यदि हम प्रस्तावना देख लिया हमने, अब हम देखेंगे समस्याओं के बारे में। समस्याओं की यदि हम बात करें तो आपको पता है वर्तमान समय में सभी फसलें जो हैं वो खेते में तैयार हैं। कटाई का समय है, यदि देखा जाए तो संपूर्ण भारत में कटाई का समय है। और ऐसे में यदि जो फसल है, किसानों की जो फसल है, यदि फसल की वो कटाई कर लेते हैं, पहले तो समस्या यहाँ भी आ रही है, अभी आगे बात करेंगे क्या समस्या कटाई में आ रही है। लेकिन यदि किसान अपनी फसल की कटाई कर लेते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यदि उनकी फसलों का खरीदारी नहीं होता है, जो राज्य सरकार द्वारा फसलें खरीदी जाती हैं, यदि वो प्रारंभ नहीं होता है, तो इससे क्या होता है, किसानों को, बिचौलियों को फसलों को बेचना पड़ता है। क्यों बेचना पड़ता है? क्योंकि किसान साहूकार से, बैंक से ऋण लिए होते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो उनकी फसल पकेगी उसको बेचकर उस ऋण को वो चुकाएंगे। तो उनपे दबाव रहता है, साहूकारों का, बैंक का दबाव है, जिससे भी उन्होंने उधारी लिया है उसका दबाव है। तो उन्हें क्या करना है, वो इंतजार नहीं कर सकते हैं कि लॉकडाउन समाप्त हो, राज्य सरकार नियमबद्ध क्रमबद्ध तरीके से फसलों का खरीद करे, तब तक उसको सुरक्षित रखने की भी उनके पास चुनौती है। यदि मान लीजिए किसी पल के लिए वो मान भी जाते हैं, किसी तरह से साहूकार बैंक का डर खत्म भी होता है, लेकिन वो स्टोर कहाँ करेंगे? क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखे होते हैं, देखते होंगे, एक कमरे का, दो कमरे का मकान होता है, तो उनकी स्टोरेज की भी समस्या है। जो उनकी फसलें तैयार हैं खेतों में, उसको स्टोर कहाँ से करें? तो इसके लिए क्या समस्या है कि जो फसलें कटने को तैयार हैं या जो फसलें कट चुकी हैं, उनकी खरीदारी ना होने की वजह से फसलें खेतों में पड़ी हुई हैं या किसान के घर के बाहर पड़ी हुई हैं। और ऐसे समय में यदि घर के बाहर पड़ी हुई है, बारिश या किसी तरह से आंधी तूफान आता है, तो वो फसल उनकी बेकार होती है, उनका अनाज, उपज उनकी बेकार होती है। तो वर्तमान समय में समस्या क्या है, सभी फसलें जो खेतों में खड़ी हैं वो तो समस्या में है ही, लेकिन जो कट चुकी हैं लेकिन उनकी समुचित व्यवस्था नहीं हुई है रखने की, किसान के घर के बाहर पड़ी है या खेतों में पड़ी है, उसके लिए समस्या है। क्या समस्या है कि यदि बारिश होगी तो खराब होंगे, यदि वो बिचौलियों को दे देते हैं, मान लीजिए वो बिचौलियों को दे देते हैं दबाव में, बैंक साहूकारों के दबाव में बिचौलियों को दे देते हैं, तो समस्या क्या है कि लागत मूल्य भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहले ही बारिश की वजह से, आंधी तूफान की वजह से कुछ फसलें नष्ट हो चुकी हैं, फसलों का 10 से 20% भाग पहले ही नष्ट हो चुका है। अब जो 80% भाग बचा है, यदि उसको भी वो बिचौलियों को हाथ बेच देते हैं, बिचौलियों के हाथ बेच देते हैं, तो इसका जो 70% 80% का भी मूल्य निकलना है वो नहीं निकलेगा। क्योंकि बिचौलिया जो है, जो राज्य सरकार न्यूनतम मूल्य घोषित करती है, उस मूल्य पर तो खरीदेगा नहीं, उससे कुछ कम मूल्य पर खरीदेगा, और यदि किसान उस मूल्य पर देता है तो उसको हानि होती है। तो एक चीज ये समझ में आया, किसानों की फसल जो खेतों में तैयार है या जिनको उन्होंने अपने घर पर, अपने खेत में रखा हुआ है, मौसम के डर की वजह से ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते, बैंक साहूकार के डर की वजह से ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते, इसलिए उनको क्या है, उसको हर हालत में बेचना है। यदि वो अभी बिचौलियों को बेच देते हैं तो लागत मूल्य भी निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से अभी तैयारी नहीं हुई है। विभिन्न राज्य सरकारें अभी प्रयास कर रही है, नियम बना रही है, लेकिन अभी कहीं शुरुआत नहीं हुई है। दूसरी बात है, ये तो अनाज की बात हो गई, अनाज उत्पादन करने वाले किसानों की बात होगी। अब जो फल और सब्जी का उत्पादन करते हैं किसान, उनके लिए क्या चाहिए? क्योंकि फल और सब्जी जल्द खराब हो जाते हैं, तो फल और सब्जी उत्पादक जो किसान हैं, उनको चाहिए क्या कि जल्द से जल्द उनकी फसल, सॉरी, उनका उपज खेत से निकले, उनकी सब्जियां और फल खेत से निकले और तुरंत अगले दिन ही या उसी दिन एक बाजार उनको मिल जाए। लेकिन वर्तमान समय में लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है कि जो सब्जी उत्पादक किसान है, फल उत्पादक किसान है, उनकी उपज, उनकी फल, उनकी सब्जी मंडी तक नहीं पहुंच पा रही। क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से परिवहन सुविधाओं का अभाव है। यदि मान लीजिए किसान किसी तरह से एक तरफ से अपनी फसल को किराए पर लेकर चला भी जाता है, मंडी तक पहुंच जाता है, और किसान, ऐसा तो है नहीं कि किसान के घर से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर मंडी हो, 30, 40, 50, रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो 50-50 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे में यदि किसान एक तरफ किसी तरह से
वाहन के माध्यम से किराए पर करके अपनी फसल को इसी तरह से पहुंचा भी देता है मंडी तक, बेच भी दिया मंडी में, लेकिन अब उसकी समस्या क्या है, वापस लौटने की चुनौती है कि वापस उसको कोई परिवहन मिलेगा नहीं, कोई परिवहन मिलेगा नहीं तो वापस अपने घर कैसे आएगा, एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या क्या है कि किसान तो मान लीजिए मंडी में पहुंच गया, लेकिन किसान और व्यापारी जो है, मान लीजिए व्यापारी भी मिल गया किसान को, लेकिन अब किसान तो उस फसल को बेचकर व्यापारी के जो ट्रक है या जो उसका परिवहन का साधन है उस पर लदाई उसकी तो करेगा नहीं, इसके लिए मजदूर होते हैं मंडियों में। अब लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि मजदूर भी अपने घर से मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, सेम समस्या उनके सामने भी है। क्या समस्या है, परिवहन की समस्या है। दूसरी समस्या क्या है, आप अक्सर देखते होंगे कुछ राज्यों में कि बेवजह पुलिस वाले जो है पिटाई कर देते हैं, तो पुलिस वालों की पिटाई की वजह से भी मजदूर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि मजदूरों के पास तो कोई आइडेंटिटी कार्ड है नहीं, कोई मूवमेंट पास तो है नहीं, इस वजह से उनके लिए भी समस्या है। दूसरी समस्या क्या है कि यदि किसानों को, मान लीजिए किसान मंडी तक नहीं पहुंच पाया, दो दिन लेट हो गया, रास्ते में लेट हो गया, जाम की जाम तो है नहीं लेकिन लॉकडाउन की वजह से जगह जगह चेकिंग रहती है, या मान लीजिए किसी चेक पॉइंट पर पुलिस वाले ने लौटा दिया कि भैया आगे आप नहीं जा सकते, आपको वापस जाना होगा, आपके पास कोई पास नहीं है, तो ऐसे में यदि किसान वापस जाता है तो वाहन का तो भाड़ा जो उसका किराया है उसको तो वहन करना ही पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, क्योंकि फल और सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं, ऐसे में उसका कम से कम 10-20% हिस्सा यदि एक दिन भी लेट हुआ तो खराब होगा। अब जो 10-20% हिस्सा खराब होगा वो किसान की पूंजी ही तो खत्म हो रही है, उसी का तो नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूल्य हानि हो रहा है। और जब किसान को मूल्य हानि होगा तो उसको जो उसने कर्ज लिया है बैंकों से, छोटे छोटे किसान है, बैंक से साहूकारों से कर्ज लिए हैं, घर परिवार उसी से चलाना है, तो ऐसे में क्या होगा, कर्ज के बोझ तले ये दबते जाते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब होती जाती है। इसके बाद यदि हम देखें कि लॉकडाउन की वजह से और क्या समस्या हो रही है, लॉकडाउन की वजह से जो खरीदार हैं वो भी मंडियों में कम आ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है, ऐसे में खरीदार भी मंडियों में कम पहुंच रहे हैं, तो इसकी भी एक समस्या है कि यदि मंडी में सामान पहुंच भी जाता है और खरीदार मतलब मांग कम है आपूर्ति ज्यादा है, तो ऐसे दोबारा किसान को कम दाम में बेचना पड़ेगा, उसको हानि होगी, तो एक समस्या यह भी है। दूसरा कुछ लोग बोल रहे हैं, इसको अभी बाद में बात करेंगे, एपीएमसी कानूनों की। दूसरी बात आती है राज्य क्यों इस पे हस्तक्षेप नहीं कर रहे, पहली बात तो कृषि राज्य की जिम्मेदारी होती है तो राज्य सरकारों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें अभी सिर्फ COVID-19 के प्रकोप से लड़ने में जो है व्यस्त है, किसानों की चिंताओं पर उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात है कि भारत में क्या समस्या है कि जो भारत में मंडियां हैं, भारत में जो भी मंडियां आप देखते होंगे वो क्या हैं कि ऐसी जगह पे हैं जहां पे मतलब एक ही मंडी है, उसी में अनाज भी हमारा बिक्री होता है, फल भी बिक्री होता है, सब्जी की भी बिक्री होती है, तो ऐसे में क्या होता है जब एक ही जगह पे अनाज फल सब्जी सब बिक रहा है तो निश्चित रूप से भीड़ बढ़ेगा, और COVID-19 के फैलने का सबसे आसान इसको माध्यम क्या है, भीड़ माध्यम है इसके, तो ऐसे में जो भीड़ प्रबंधन है उसकी भी समस्या है कि सरकार और प्रशासन किस तरह से भीड़ नियंत्रण करे कि फल अनाज और सब्जी तीनों को जो खरीदने की भीड़ आती है, जो व्यापारी आते हैं, किस तरह से उनको नियंत्रित किया जाए, प्रशासन के समक्ष ये भी चुनौतियां हैं, और इससे भी किसानों को नुकसान हो रहा है क्योंकि प्रशासन किसानों की बात नहीं सुनता है, सीधे सीधे उनको दंड दिया जाता है, तो ये भी एक समस्या है। अब इसके समाधान में क्या होना चाहिए, इन सबके समाधान में क्या होना चाहिए, किस तरह से हम किसानों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको पता है समस्या क्या है, मजदूरों और किसानों की सबसे बड़ी समस्या है मूवमेंट पास की, क्योंकि उनके पास कोई आधिकारिक पास नहीं होता है कि वो एक जिले से दूसरे जिले तक मूवमेंट कर सके। इसकी वजह से क्या है, जो मूवमेंट पास नहीं है तो इसके स्थानीय प्रशासन को इन किसानों को मूवमेंट पास उपलब्ध कराना चाहिए, ये बहुत ही जरूरतमंद है कि स्थानीय किसानों को मूवमेंट पास उपलब्ध कराएं। दूसरी बात क्या है कि फायदा व्यापारी, जो हमारा व्यापारी है, जो हमारा व्यापारी वर्ग है, उससे संबंधित समस्या है। उसमें क्या समस्या है कि व्यापारी वर्ग जो हमारा है उसको भी समस्या है, क्योंकि जब व्यापारी जाता है खरीदने और मजदूर नहीं मिलता है तो मजदूर के लिए भी समस्या है, व्यापारी खुद तो लदान करेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या है कि
जैसे मैंने पहले कहा मजदूरों और किसानों के लिए प्रशासन को अलग से पास उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा, जब भीड़भाड़ प्रबंधन की बात आती है जहां मंडियां एक साथ हैं, तो यहां पे हमें क्या करना चाहिए कि फल सब्जियां और अनाज या तो आप इनके लिए अलग अलग टाइम निर्धारित कर दीजिए कि इस टाइम इंटरवल में फल बिकेगा मंडी में, इस टाइम इंटरवल में अनाज, इस तरह कर दीजिए, या तो दिन निर्धारित कर दीजिए कि इस दिन को फल सब्जी इस तरह से बटेगा, मतलब समय से बांट दीजिए या दिन में बांट दीजिए कि इस दिन सब्जी बिकेगी मार्केट में अनाज और फल, या तो आप ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, ग्राम स्तर पर खरीदारी करवा दे सरकार, ग्राम सभा जो होती है उस स्तर पर किसानों की उपज को खरीद लिया जाए, फल सब्जी को खरीद लिया जाए प्रशासन द्वारा और उसको मंडी प्रशासन पहुंचा दे। इससे क्या होगा, जहां किसान कोविड-19 के प्रकोप से भी बचे रहेंगे, क्योंकि जब मूवमेंट नहीं करेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, तो इससे प्रकोप से भी बचे रहेंगे। दूसरी बात, उनको उचित मूल्य भी मिल जाएगा, उनको एक उनकी सब्जियों फलों को एक बाजार भी मिल जाएगा। और क्या हो सकता है, इंसेंटिव, सरकार क्या करे, राज्य सरकार क्या करे, इंसेंटिव दे सकती है। जैसे मंडियों में भीड़ लगी हुई है, हमें अपना सामान बेचना, हमें तो सरकार कर दे जो फसलें खराब होने वाली है, कम समय में खराब हो जाएंगी, उनको पहले बाजार उपलब्ध करा दे, और जो बाद में कुछ दिन रख सकते हैं, महीने दो महीने हम रख सकते हैं, नहीं खराब होंगी, ऐसे अनाज फसलों को हमें क्या करना चाहिए, सरकार को बोल देना चाहिए कि हम किसानों को अतिरिक्त देंगे, पर क्विंटल 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए अतिरिक्त देंगे, जो किसान एक महीने बाद बेचेगा। इस तरह की भी पहल राज्य सरकार कर सकती है। तो निश्चित रूप से जो फसलें खराब होने वाले नहीं है, वो 100-150 जो प्रति क्विंटल देगी सरकार, उसी के एक प्रकार से देखा जाए लालच में किसान जो है, क्योंकि किसान तो एक एक रुपए के लिए मोहताज होता है, तो उसके लालच में किसान क्या करेगा कि अपनी फसलों को इंतजार करने के लिए उसको रखेगा, उसको स्टोर करेगा, जिसे बाद में बेचा जा सके। इससे भी भीड़ रुकेगी और जो जरूरी फसलें हैं उनकी बिक्री आसानी से हो सकेगी। दूसरी क्या है कि स्टोरेज, हमें प्रयास करना चाहिए, अब इससे सीख लेना चाहिए इस महामारी से, कि तहसील स्तर पर भी स्टोरेज बनवाने चाहिए। तो समग्र रूप से समस्याएं क्या थी, चुनौतियां क्या थी और क्या समाधान होना चाहिए, वो बताने में सफल हो पाया हूं। अब निष्कर्ष निकलना है। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि किसान हमारे भारत की रीढ़ है, कृषि हमारे भारत की रीढ़ है और ज्यादातर आबादी हमारी कृषि कार्यों में ही लगी हुई है, अभी तक लगी हुई है। ऐसे में किसानों को ज्यादा दिनों तक राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित रखना, उनके लिए योजनाओं का क्रियान्वयन ना कराना, स्थानीय प्रशासन द्वारा उनके लिए कुछ बेहतरी के उपाय ना करना, ये चिंताजनक है। स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार, यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी इन किसानों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द त्वरित निपटारा इनकी समस्याओं को करना चाहिए, जिससे किसान दुखी ना हो, क्योंकि यदि किसान दुखी होगा तो निश्चित रूप से भारत का हर व्यक्ति दुखी होगा। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए समझा पाने में सफल रहा हूँ। यदि सफल रहा हूँ तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।